उत्तराखंड में मुफ्त बिजली को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। दरअसल ऊर्जा मंत्री ने पिछले दिनों ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें हरक सिंह रावत का बयान सामने आया था कि उत्तराखंड में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी और 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को आधा बिल चुकाना होगा, जिसके बाद विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार की मंशा पर कस सवाल उठाए थे। वहीं अब ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि जो हम राज्य की जनता को देने जा रहे हैं और जिन लोगों को जरूरत है, ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो भी 100 यूनिट के दायरे में बिजली खर्च करेगा उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हरक सिंह रावत का कहना है इससे न केवल जरूरतमंद लोगों को बिजली के बिल से राहत मिलेगी बल्कि बिजली की भी बचत होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पूरे होमवर्क करने बाद उन्होंने यह बात कही, जल्द इस फैसले को लेकर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। और मैंने उनसे कहा कि कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, इन सब चीज़ों से देखिए लोगों का काम है कहना, लेकिन जो मैंने एज ए ऊर्जा मंत्री और उत्तराखंड के नागरिक को महसूस किया और इससे हमारे जो हम देने जा रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को या जो प्रस्ताव हम लेके जा रहे हैं, वो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के जिन लोगों को जरूरत है। अब हरक सिंह तो दे सकता ना बिजली का बिल, तो अब हरक सिंह को क्यों सब्सिडी दी जाए? या मैंने आप में से जो लोग देखे, अब मैंने उसमें भेदभाव भी नहीं किया, कोई बीपल कार्ड नहीं मांग रहा हूँ, कोई वो नहीं मांग रहा हूँ, सीधी सी बात है। आप भी अगर 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करोगे तो आप भी उस दायरे में आ जाओगे। अगर कोई इसके पीछे एक बहुत थ्योरी, बड़ी थ्योरी है जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर 100 यूनिट तक बिजली फ्री होगी तो जो कई बार हम लोग पंखा छोड़ देते हैं, बल्ब जलता रहता है, बच्चे छोड़ देते हैं, अब हर कोशिश करेगा कोई व्यक्ति कि भाई अगर मैं भी 100 यूनिट से नीचे आ जाऊंगा तो मेरा फ्री हो जाएगा। तो एक तरह से इसके पीछे थीम ये भी है, इसके पीछे सोच ये भी है कि बिजली की बचत हो। और मैं सोचता हूँ, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से कहा है, मैं पूरा होमवर्क हमने उस दिन किया है, तब जाके मैंने कोई बात मीडिया से कही है कि ये प्रस्ताव हम लेके जा रहे हैं। हालांकि आपको मालूम है मैंने ये नहीं कहा कि मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैंने यही कहा कि ये कैबिनेट में ले जाऊंगा प्रस्ताव, ठीक है।